والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وكما قال عليه الصلاة والسلام: आप सब जानते हैं कि इस वक्त हम हज़रत वाला का आखिरी दर्स समाप्त करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सब जानते हैं कि इस वक्त हज़रत वाला का आखिरी दर्स बुखारी का समाप्त करने के लिए हम सब यहाँ हाजिर हुए और हज़रत वाला से हमने इस्तिफादा किया। हज़रत का तवील खिताब और दर्स, बल्कि हज़रत वाला माशाल्लाह का सबक भी एक खिताब, अजीम खिताब के शक्ल सूरत में होता है। हज़रत पढ़ाते हैं बहुत ही दूर दराज से भी कोई गुज़र रहा हो तो हज़रत क्या पढ़ा रहे हैं, क्या मज़मून चल रहा है, क्या सबक हो रहा है, बिल्कुल वाज़ह साफ और मज़ामीन इतने वजाहत के साथ मुरत्तब अंदाज में हज़रत वाला बयान करते हैं, बहुत रश्क होता है। और इल्लाही दरूरू, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए और हम छोटों को हज़रत से खूब इस्तिफादे की तौफीक अता फरमाए, इल्मी इस्तिफादे की भी तौफीक अता फरमाए, रूहानी इस्तिफादे की भी तौफीक अता फरमाए। हज़रत बहुत तड़पते हैं और बहुत दर्द दिल रखते हैं अपने सीने में, बहुत मुशफिक पाया मैंने। मैं ये नहीं कि मैं हज़रत के सामने ये बात बोल रहा हूँ, ना मैं सोच के आया, लेकिन मिन जानिबिल्लाह कुछ बातें आती हैं तो मैं आपके सामने कभी दरसगाहों में भी और कभी गायबाना दुनिया वालों के सामने, आम लोगों के सामने भी, उलमा की मजलिस में भी गायबाने तौर पर भी मैं बातें सुनाता हूँ। अल्लाह मुझे इस्तिफादे की तौफीक दे हज़रत से। हज़रत बहुत दर्द दिल लगते हैं, बहुत मुशफिक हैं और चाहते हैं कि हमारे तलबा यहाँ इस दरो दीवार में सब शाम गुजारने वाले, सुबह शाम गुजारने वाले कुछ बन के जाएं, उम्मत के लिए एक यहाँ से रहबर मिले, कायद मिले और उम्मत के लिए अच्छे उलमा और फजला मिले, यहाँ के पढ़ने वाले तलबा का उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना बने, एक आइडियल बने, इल्म के मैदान में भी, रूहानियत के मैदान में भी, तसनीफ़ व तारीफ़ के मैदान में भी, तहकीक के मैदान में भी ऐसी जामी शख्सियत आपको अरबो अजम में, मशरक़ व मगरिब में मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, जिनमें अल्लाह ने अजीब व गरीब सिफात व दियत फरमाए हैं। कोई शोबा ऐसा मही नहीं, बल्कि तमाम असातिज़ा का और तमाम तलबा का ये रुझान हम सुनते और देखते रहते हैं कि किसी शोबे में ये हम महसूस नहीं होता कि यहाँ कुछ कमी नज़र आ रही है, इस शोबे में और इस मैदान में हज़रत वाला में कोई कमी ये बात महसूस नहीं होती है। मुझे इस सिलसिले में ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, जहाँ कहना चाहिए वहाँ कहना होगा और कहते रहता हूँ और असातिज़ा भी कहते रहते हैं। बहरहाल मुझे इस वक्त कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं करना है। आप हजरात से, ख़ास तौर से फारिगीन और फुजला से ये कहना चाहूँगा कि हज़रत से वालिहाना ताल्लुक़ रखें, एक बहुत अजीम नेमत है हज़रत हमारे लिए। ये मैं छोटा आदमी बोल रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, फुकहा ने, अहले इल्म ने हज़रत के सिलसिले में जो शहादतें दी हैं वो हमारे लिए बहुत अजीम चीज़ है, जिसको बुनियाद बनाकर हम हज़रत को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपके दीगर असातिज़ा भी जो माशाल्लाह इल्म में, फ़ज़ल में, कमाल में और फिर उलूम इस्लामिया में एक यद तूला रखते हैं, उनसे हमेशा ताल्लुक़ रखें। किताबों के मुताले से मुतालिक मुफ्ती आफ्ताब साहब ने बड़ी अच्छी रहनुमाई दी और कहा कि जिस मैदान में भी आप रहें, पढ़ें, लिखें, मकतब पढ़ाएं, आप दीन का किसी भी शोबे से मुंसलिक हो जाए उसको अहमियत दें,
उसको बहुत अहमियत के साथ अंजाम दें और इसके साथ साथ अपना मुतादा हमेशा जारी और सारी रखें, अपने असातिज़ा से गहरा ताल्लुक़ रखें, वालिदैन के साथ हमारा जैसे ताल्लुक़ होता है, अपने ख़ानदान के बड़ों के साथ जैसे वालिहाना हमारा ताल्लुक़ होता है, राय मशवरे लेते हैं, ऐसे अपने असातिज़ा से और बिलखुसूस हज़रत वाला से गहरा ताल्लुक़ हमारा होना चाहिए, गहरे मरासिब होना चाहिए और हर छोटी मोटी बात हजरत से पूछें, पूछ पूछ के उसको अंजाम दें। एक तो मुताले का ख़ास अहतमाम और उसका तसलसल रखें और मुताले में भी असातिज़ा से बिलखसूस हजरत वाला से किस मौजू पर आपको मुताला करना चाहिए और क्या लिटरेचर आपको पढ़ना चाहिए, ये रहनुमाई में आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा बनिस्बत इसके कि आज़ादा नोटों पर कभी ये किताब पढ़ लिए और कभी वो किताब पढ़ लिए और कभी किसी का लिटरेचर पढ़ लिए, पता नहीं, चूँकि अभी वो पुख्तगी और वो रसूख और वो हमारे अंदर तसल्लुब नहीं आया है जिस तसल्लुब की और जिस पुख्तगी की हमारे अंदर ज़रूरत है, इसलिए उस तसल्लुब से पहले और आप एक बड़े आलिम बन जाए उससे पहले कम अज़ कम आपको इब्तदाई दौर में इब्तदाई मराहिल में किन मौज़ूआत को आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए और किन की किताबें पढ़ना चाहिए और किन की किताबें नहीं पढ़ना चाहिए और किन लोगों के खिताबात सुनना चाहिए और किन लोगों के खिताबात नहीं सुनना चाहिए। यहाँ मैं खुसूसियत से ये बात कहूँगा कि उमूमन पढ़ने का सिलसिला ज़रा इस वक्त कम होता जा रहा है जबकि सोशल मीडिया का काफ़ी बाजार गर्म होता हुआ नज़र आता है और खिताबात क्या कहते हैं इसको YouTube इसमें सुनते ज़्यादा है, पढ़ने का रिवाज कम हो गया है। अच्छे तलबा नेक तलबा बड़े बड़े लोगों की खिताबात सुनते हैं, यहाँ ये इस बात को मलहूज रखें कि किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है। सिर्फ लबो लहजा और किसी का उसलूब आपको पसंद आया और उनका अंदाज़ खिताब आपको बड़ा अच्छा लगा इसलिए आप उनके दिलदादा होते चले जा रहे हैं और अपने मशाइख उलमा और जिनके इल्म पर हमें काफ़ी एतमाद है उनको छोड़ के सिर्फ लबो लहजा और उनके उसलूब और उनके अंदाज़ की बुनियाद पर उनकी दिलदादा होते चले जाते हैं। ऐसा बहुत सी मरतबा बाज़ तलबा के बारे में और बाज़ उलमा के बारे में सुनने को मिलती हैं बातें कि वो उनके बड़े दिलदादा हैं, वो उनके बड़े आशिक़ हैं, जबकि उनकी फ़िक्र सही नहीं होती है, उनका मिजाज व मजाक हमारे मिजाज व मजाक से उलमाए देवबंद के मिजाज व मजाक से काफ़ी उनका मुख्तलिफ नज़र आता है। बहरहाल मेरी बात लंबी होती जा रही है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुनना है पढ़ना है लिखना है जो कुछ हमको करना है वो अपने असातिज़ा और उलमा और हजरत वाला की निगरानी में होगा तो आप एक अच्छे आलिम बनेंगे, अच्छे मुहक्किक बनेंगे। आपको अब खुतूत और आपकी रहनुमाई कर दी गई है, आपको के सामने एक जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि चाबी दे दी गई है, अब आपको चाबी खोलने और वहाँ से मुस्तफ़ीद होने का तरीका सीखना है, ढंग सीखना है उसके लिए, और जिस शोबे में भी आप काम करते हैं उसमें सही रहनुमाई आपकी हो, इसके लिए असातिज़ा से और हजरत वाला से खुसूसी ताल्लुक हमेशा रखें और अपने इदारे से हमेशा अपने इदारे से वालिहाना आपका ताल्लुक होना चाहिए। इदारों से उमूमन ऐसा होता है कि चले जाने के बाद अपने मशागिल में ऐसे मसरूफ़ हो जाते हैं कि इदारे से हम इदारे को भूल जाते हैं और इदारे के असातिज़ा को हम भूलते चले जाते हैं। शुरू शुरू में ऐसा नहीं होगा, शुरू शुरू में इदारे से लगाव और ताल्लुक़ रहता है, लेकिन जैसे ही अय्याम और साल हर साल गुजरते चले जाते हैं इदारे से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर होता चला जाता है। जो इदारा आपको हाफिज़ बनाया, आलिम रब्बानी बनाया, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जिस हस्तियों के यहाँ और जिनके यहाँ आपने जानो तरमुज तह करके पढ़ा है, उनकी सोहबत आपने पाई है, इंशाअल्लाह उम्मीद है रब्बुल आलमीन से कि आप वक्त के जलील कदर आलिम रब्बानी बनेंगे और इंशाअल्लाह आपसे उम्मीद आपसे उम्मत मुस्लिमा आपसे मुस्तफीद होगी। इसके लिए हम हजरत से और तमाम तलबा से इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि हमारा असातिज़ा भी, मैं बड़ी बात हो जाएगी, मैं अपने से भी और असातिज़ा से भी ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे तलबा हमसे ताल्लुक़ रखते हैं, कभी फ़ोन करते हैं, हमको भी चाहिए कि कभी उनसे फ़ोन करें। मैं यहाँ ये बात मेरी ज़बान पर आ गई इसलिए मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ
कि हमको भी चाहिए कि शफ़क़त, जैसे हम अपने बेटे को कभी रابطہ कर लेते हैं, अपने बच्चों से कभी कभी रابطہ कर लेते हैं, ऐसे ही हमको भी चाहिए कि कभी खैर खैरियत उनकी पूछ लिया करें। कभी ऐसा होता है कि बेटा हमसे गाफिल होता चला जाता है और हमको भूल जाता है, तो बाप नहीं भूलता, बाप की शफ़क़तें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। तो हमको चाहिए और मुझे चाहिए सबसे पहले कि मैं उनको याद रखूँ, उनको इस तरफ तवज्जो दिलाते रहूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बातें टूटी फूटे अंदाज में मैंने कही, अल्लाह ताला से कबूल फरमाए, इसमें जो कोताही हुई अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए और हमारे पढ़ने पढ़ाने को और हमारी ये कोशिशों को अल्लाह कबूल फरमाए और इस इदारे के फ्यूज़ व बरकत अल्लाह आपकी शक्ल व सूरत में पूरी दुनिया में इसको फ्यूज़ व बरकत पहुँचाए। और तादेर अल्लाह ताला हज़रत के साये को और तमाम असातिज़ा के साये को हम सब पर बख़ैर आफ़ियत सेहत के साथ अल्लाह बाकी रखे और उनसे खूब मुस्तफ़ीद होने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।